Alhamdulillah. हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब बताइएगा जरूर। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ, काफी अच्छी वीडियो है, काफी यूजफुल वीडियो है, काफी इंफॉर्मेशन आपको वो वीडियो देगी और आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आपका पार्लर है तो आपके पार्लर को ग्रो करने में काफी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। बट मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि मैम आप कहाँ से हैं। तो मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ और मेरे पार्लर का नाम है खुशी मेकओवर्स। तो खुशी मेकओवर्स जो है वो मुरादाबाद यूपी में है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए हर वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज जरूर ऐड करूंगी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरा पार्लर कहाँ पर है, क्योंकि कुछ लोगों को ना काफी कंफ्यूजन है कि मतलब मेरा पार्लर दिल्ली बॉम्बे या इस ऐसी जगह में है, बट ऐसा नहीं है। मेरा पार्लर जो है वो मुरादाबाद यूपी में है। और आप लोगों का प्यार है जो मेरे चैनल को इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है मेरा चैनल, और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जो आप लोगों की काफी यूजफुल हो और काफी ईजी तरीके से मैं आप लोगों को वो सब कुछ बताना और दिखाना पसंद करती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे दो चैनल और भी हैं। एक है मेरा पूजा चौधरी ब्लॉग, जो मेरा फैमिली चैनल है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो बिल्कुल एक बार उस पर भी विजिट कीजिएगा, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस मेरा एक कुकिंग चैनल है पूजा किचन करके, तो अगर आप लोग कुकिंग के शौकीन हैं तो बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी वीडियो वहां पर मिलेंगी, तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों को वो चैनल पसंद आते हैं उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में उसकी वीडियो भी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसको भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए लाइक जरूर किया कीजिए, जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को रियल वर्क ही अपने पार्लर का दिखाऊं और आप लोगों को उससे काफी हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक वैक्सिंग वीडियो, क्योंकि काफी दिन से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम नेक वैक्सिंग हम लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि नेक पे ना काफ़ी हार्ड बाल होता है और कुछ लोग आजकल नेक को बहुत अच्छे से क्लीन कराते हैं, तो किस तरीके से हम लोगों को क्लीन करना चाहिए। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ रीका वाइट चॉकलेट वैक्स, और काफ़ी अच्छी है ये वैक्स, काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है और बहुत ईजिली हो जाती है। उसके बाद हम लोगों को एक वैक्स हीटर चाहिए, और वैक्स हीटर भी मैंने बहुत सिंपल वाला लिया है, ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाता है, सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जितने भी प्रोडक्ट मैंने इसमें यूज़ किए हैं। और हमें चाहिए एक आइसक्रीम स्टिक्स, और इस तरीके की स्टिक्स से जब हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी इजीली होती है ये वैक्स। और उसके बाद चाहिए हमें वैक्स की पट्टियाँ जो हमने कट करके रख ली हैं नेक वैक्सिंग में, क्योंकि हम लोगों को बहुत बड़ी पट्टी की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल सी हम लोगों को पट्टी चाहिए छोटी छोटी सी, तो वो हम लोगों ने जो है वो काट के रख ली हैं। उसके बाद चाहिए हमें आफ्टर वैक्सिंग लोशन, ये बहुत ज़रूरी है, और ये एलोवेरा आफ्टर वैक्सिंग लोशन है रीका का, काफ़ी अच्छा ये होता है और ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है अगर हम रीका वैक्स कर रहे हैं तो, क्योंकि ये पानी से नहीं हटती है, ये ओनली फॉर इसी तरीके के लोशन से हटेगी। और लोशन जो है ये ऑयल बेस है, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन पर रीका वैक्स आप कर रहे हैं तो इसको आपको एप्लीकेशन इसकी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको हो सकता है कि आपके दाने वाने निकल जाएँ या स्किन वगैरह भी पील हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है नेक वैक्सिंग करेंगे। बाल आप देख सकते हैं इनके नेक पर कितना हार्ड बाल है और काफ़ी नीचे तक है, उसकी वजह से ना नेक हमारा काला लगने लगता है। तो हम लोगों को इस तरीके से जब हम नेक वैक्सिंग करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो निकल जाते हैं नेक के, और हमारा नेक जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। तो देखिए एप्लीकेशन करेंगे इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा ये गर्म नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्की गर्म भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम टेम्परेचर पर आप इसको गर्म करिए। और उसके बाद देखिए इस तरीके से लगाइए आप लोग और पट्टी रख के पुल कर दीजिए, बहुत ईजीली आ जाएंगे। और देखिए आप कितनी नेक जो है इनकी क्लीन होकर आई है, और हाफ हेयर भी देख सकते हैं कितना रिमूव हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं रीका वैक्स से आप लोगों के जो हैं वो हेयर गेन भी कम होता है, आपके टैनिंग भी रिमूव होती है। और मैंने अपने चैनल पर रीका वैक्स की बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट की, जैसे कि आप हाथों की वैक्स कर सकते हैं, आप फुल फेस वैक्सिंग कर सकते हैं, आप फुल बॉडी वैक्स कर सकते हैं, तो उन सभी की वीडियो, लेग वैक्सिंग वगैरह, उन सभी की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, और काफ़ी यूज़फुल हैं आप लोगों के लिए वो वीडियो। तो देखिए हम लोगों ने तीन पार्ट में नेक वैक्सिंग कर दी इनकी, पहले हम लोगों ने बीच से लगाया, फिर हम लोग दूसरी साइड गए, और अब हम इस साइड आ गए हैं। और हम लोग आप देख सकते हैं मैं स्पैचुला थोड़ा टेढ़ा करके चला रही हूँ ताकि हम लोगों को ये बहुत ईजिली निकल जाएँ,
बार 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 हम लोगों को पट्टी यूज़ नहीं करनी है और बार बार इसकी एप्लीकेशन भी हम लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर आप रिका वैक्स की डबल एप्लीकेशन करेंगे तो उस जगह पर आपको हो सकता है कि आपकी स्किन भी आ जाए। तो देखिए कितना हार्ड बाल था और कितना ईजिली ये आ गया और 3 बार में मैंने ये नेक वैक्सिंग कर दी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आता है, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है आफ्टर वैक्सिंग लोशन लेंगे एक टिश्यू पेपर पर और इस तरीके से जो है वो उसको नेक को क्लीन कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपके स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो दाने वगैरह नहीं निकलेंगे अगर आप आफ्टर वैक्सिंग लोशन यूज़ करते हैं। और उस इससे ये भी होता है कि जहाँ पे वैक्स रह गई है, मतलब किसी किसी पार्ट पे ना वैक्स लगी रह जाती है, तो क्योंकि पानी से ये नहीं हटती है तो ये इसी से हटेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है वो क्लीन कर दिया है इनका नेक बहुत अच्छे से। तो नेक वैक्सिंग कम्प्लीट हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से हुई है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।